शासकीय माध्यमिक शाला जूनापानी स्कूल में जहां 2 शिक्षक 27 छात्र छात्राएं दर्ज हैं, जिसमें से मात्र गुरुवार को 3 छात्र ही शाला में उपस्थित हुए थे। जबकि आपकी जानकारी में बता दें कि जूनापानी स्कूल में 2 शिक्षक पदस्थ हैं, जिनमें से स्कूल में एक ही शिक्षक उपस्थित था, जबकि दूसरा शिक्षक बुधनी चुनाव में अपनी डीप्यूटी को मतदान करने गए थे, लेकिन बताया जाता है कि लौटने के बाद घर आराम फरमा रहे हैं। स्कूल में पदस्थ शिक्षकों की लापरवाही का आलम यह कि छात्र छात्राओं को डिजिटल शिक्षा देने के लिए स्कूल में LED टीवी लगाई गई थी, लेकिन वह टीवी जहां शिक्षकों की अनदेखी एवं शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते LED टीवी पर परिंदों ने अपना रेन बसेरा घोंसला बना लिया और परिंदों ने अंडे भी दे दिए हैं। एक और स्कूल के आसपास घास फूस होने से LED टीवी पर बने परिंदे घोंसले में परिंदों ने अंडे दे दिए, जिससे स्कूल में सर्प कीड़े मकौड़े आदि का LED पर घोंसला होने से प्रवेश करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जिसका डर भी छात्र छात्राओं को लगा रहता है। साथ ही शिक्षकों में भी डर बना रहता है, जो शिक्षकों के साथ साथ छात्र छात्राओं के लिए परिंदे के घोंसले परेशानी भरे साबित हो सकते हैं। जूनापानी है सर, जूनापानी स्कूल में मात्र 27 बच्चों में से 3 बच्चे उपस्थित थे। दूसरी ओर वहाँ एक LED टीवी है, उस पर भी घोंसला बना रखी है, मतलब स्कूल और मध्यान्ह भोजन में से कुछ चावल ही मिल रहे हैं, चावल ही मिल रहे हैं और वो भी कर रहे ठट चावल। हाँ, तो जहाँ तक उपस्थिति की बात है तो वो पारदी समाज के लोग रहते हैं जो घुमक्कड़ प्रजाति के हैं, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं थोड़ा इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उपस्थिति वहाँ पाई जाती है। 15 से लेकर 20 बच्चे उपस्थित रहते हैं। क्यों उपस्थिति आज कम थी, मैं इसकी जन शिक्षक से और संबंधित शिक्षक से जानकारी तलब करता हूँ। सर, मध्याह्न भोजन सिर्फ चावल भोजन के लिए भी जो है हमारे जो मध्याह्न भोजन प्रभारी है, मैं उनसे बात करता हूँ और जो वहाँ समूह चलाते हैं उन समूह के व्यक्ति से बात करके और देखता हूँ कि क्यों आखिर उन्होंने जो है इस तरह का मध्याह्न भोजन करवाया। LED भी बड़ा सारा घोंसला बना रखा परिंदों ने इसके। हाँ, निश्चित रूप से ये बड़ी लापरवाही है और इसको भी मैं देखता हूँ, उनसे बात करता हूँ, है ना, क्यों क्यों हुआ है इसे जी।